ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाकी विशेष ब्राह्मण बनने के बाद हमें बाबा के ऊपर क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। आज की मुरली थी, निश्चय बुद्धि बनो, क्योंकि जितना निश्चय बाबा के ऊपर होगा, निश्चय से परिवर्तन होगा। और निश्चय बाबा के ऊपर बिठाने के लिए विचार सागर मंथन करो। जो हम पहले सुनते थे वो ठीक है, या बाबा जो सुना रहे वो ठीक है? नहीं तो कई भाई बहने यहां भी आएंगे, मंदिरों में भी जाएंगे, भजन भी करेंगे, उपवास भी रखेंगे, दोनों नौका में पांव रखा हुआ है, ना इधर के ना उधर के, ना राम के ना रावण के। इसलिए एक तरफ निश्चय रखो, और निश्चय रखने के लिए विचार सागर मंथन करो, क्योंकि संगम युग में जो घटनाएं होती हैं उसके त्योहार बनते हैं, वार बनते हैं, रीति बनते हैं, रिवाजे बनते हैं। वैसे तो आज कौन सा वार है? शनिवार। सप्ताह का सबसे पहला वार कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार मतलब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर के सभी को सोम रस पिलाता है। सोमवार किसका वार है? शिव बाबा का वार है। सबसे पहले आकर के सोम रस पिलाता है। कहते सोम रस पीने के लिए देवताएं भी तरसते हैं। तो आप लोगों ने पिया सोमरस? सोमरस मतलब 7 दिन का कोर्स का ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, आपस में हम कौन है, ये सृष्टि चक्र क्या है, ये 7 दिन का ज्ञान, इसको कहते सोमरस। और जो ये सोमरस पिएगा उसका प्रभु मिलन, प्रभु से मंगल मिलन होगा। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा वार आया? मंगलवार। क्योंकि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, हम कौन है, ये सारा ज्ञान हो गया। इसलिए जब तक सोमरस नहीं पिएंगे तब तक मंगल मिलन नहीं होगा। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा वार आया? मंगलवार। और जिन्होंने प्रभु से मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, उसकी बुद्धि विशाल हो जाती है, बेहद की हो जाती है। नहीं तो पहले क्या होता था? मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार। अब नहीं, सारी दुनिया ही हमारी है, सब हमारे भाई बहने हैं, जाति धर्म सारा कुछ भूल गए। इसलिए बुद्धि विशाल हो गई। इसलिए तीसरा दिन बुधवार, जिसकी बुद्धि विशाल हो गई, जिसने मंगल मिलन मनाया, जिसने सोमरस पिया, उसको सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। इसलिए चौथा दिन सदगुरुवार है। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो गया, असंभव बातें संभव हो जाती हैं। पाना था सो पालिया, कुछ बाकी नहीं रहता, क्योंकि सदगुरु प्रसन्न हो गया। हमारे पास सदगुरु हैं, साथ में रहता है, नीचे नहीं क्या है। अगर बाबा हमारे साथ में नहीं रहता तो एक दिन भी आप पवित्र नहीं रह सकते। साइंस वालों ने क्या कहा है, अगर कोई ब्रह्मचारी का पालन करता है उसके दिमाग में ऊर्जा जाएगी, वो पागल हो जाएगा बोलते। लेकिन मैं तो सोचता हूं जो विकारों के वश हो जाते हैं वही पागल हो जाते हैं। आज 3-3 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस हो रहे हैं, कितना खतरनाक है। इसलिए आज हमारे ब्रह्मा कुमारी में कितने भाई बहने हैं, कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध मनते जा रहे हैं, परमात्मा साथ में है, सदगुरु साथ में है। शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है, रुई और आग एक रूम में रखेंगे लग जाएगी। अर्थात पति और पत्नी एक साथ में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन आज कितनी लाखों माताएं, भाई बहने, कितने सारे लोग पवित्र रहते, कितने सारे कुमार कुमारी पवित्र रह रहे। कौन साथ में? परमात्मा साथ में। द्वापर युग में भी कोई कोई सन्यासियों ने सन्यास किया था, उस समय तो अच्छा वातावरण था, लेकिन तो भी पवित्र नहीं रह सके, कहीं तो आकर के घर बसाया। लेकिन आज इतना गंदा वातावरण है बाहर, कितनी सारी फिल्में, फैशन, क्या क्या, तो भी ऐसे वातावरण में रह करके भी, घर में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं।
कौन साथ में है? बाबा सदगुरु साथ में है, इसीलिए सदगुरु प्रसन्न हो गए। और जिसको सदगुरु मिल गया, जिसकी बुद्धिया विशाल हो गई, जिसने मंगल मिलन मनाया, जिसने सोबरस पिया, उसके दिल से परमात्मा के लिए शुक्रिया निकलता है, धन्यवाद। इसीलिए पांचवा दिन शुक्रवार, क्योंकि प्रभु मिलन होने से सच्चा सुख मिलता है, जो खाने से, देखने से, पीने से कुछ नहीं मिलता। अगर छोटे बच्चों को आइसक्रीम खिलाओ, कुछ भी करो, वो क्या कहता है, मुझे पापा से मिलाओ, मुझे मम्मी से मिलाओ, उसको कुछ भी खाना पसंद नहीं आता। इसी तरह आत्मा कितना भी चाहे, कुछ भी देखे, कुछ भी करें, जब तक मम्मी पापा से नहीं मिले तब तक सच्चा सुख। तो आज हमें सबको मम्मी पापा तो मिला है ना, परमात्मा मिला है ना, तो पाना था सो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया धन्यवाद। और जिसको शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, उसके अंदर जो शनि है, सबसे खतरनाक शनि है काम क्रोध लोभ मोह की, ये बहुत बड़ी खतरनाक शनि है, इस शनि से मुक्त हो गए। इसीलिए छठा दिन शनिवार, शनि से मुक्त हो गए। और जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, मंगल सदगुरु प्रसन्न हो गया, मंगल मिलन हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, वही सृष्टि पर आकर के जन्म मरण से छुट्टी हो जाती है उसकी। इसीलिए संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ घर में रहते हैं। तो हमारा भी क्या आने वाला है, संडे आने वाला है, अर्थात उसको ये भी कहते हैं होलीडे। होलीडे पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में रहेंगे, वो है होलीडे। तो सबकी छुट्टी होने वाली है, सब चलेंगे साथ में परमधाम में। तो देखो कैसे दिन बने हैं, पहला बना है सोमवार, सोमवार के बाद शनिवार नहीं आया, सोमवार के बाद मंगल मिलन हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया निकला, फिर शनिवार आया। यहाँ जो कुछ होता है संगम युग में, उसके वार त्योहार सब कुछ बनता है, इसलिए रीति रिवाजें बनती हैं, सब कुछ बनता है।